is just the assistant. Sean. Sean ko star hi hona chahiye tha. He's got that star thing going on. Sabah Qamar. I don't know. She is good for TV. She's a good actor. She's good for TV. Imran Ashraf. I'm probably the only one just uska drama nahi dekha. Drama nahi, lekin I've seen him and he's a very nice human being. He is. So I think unko wo acche, he would have been a nice philanthropist. Bilawal. Aww. Bhutto. Bilawal Bhutto. Okay. I think he has a good sense of humor. He'd be good at comedy. Okay, Imran Khan. सब कुछ तो उन्होंने कर लिया, philanthropist भी है, cricketer भी है, हाँ मतलब वो भी मैंने कहने लगी थी कि वो lecturer होते हैं, so I think वो भी कर चुके हैं, वो he's been a professor. What about motivational speaker? हाँ motivational speaker. हाँ मतलब I don't know, he's too self. Sorry, no nothing. आपने criticize करना आप जरूर करें. पर सुबान और बेरहमी की हद तक क्रूअल. नहीं क्रिटिसाइज मुझे बातें कर रहे होते ना मोस्टली उनकी कोई तुकनी बन रही होती, जिस तरह मेरा अभी डीवीसी आया है तो मैं बहुत बीमार थी जब मैं अपना डीवीसी की डबिंग करा रही थी तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ही स्लो थी. अब मेरी बीमारी के ऊपर एक चीज़ आई हुई है और मैंने कल परसों ये पढ़ा है कि ओ ये बोल कैसे रही है, नशे करके आई हुई है. अबे यार मेरी बीमारी के ऊपर ही बात हो रही है. अभी एक और एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका अभी डायग्नोसिस हुआ है और वो उसकी अभी एक साल पहले ही उसका डायग्नोसिस हुआ है एंड शी कांट स्पीक. सेल्मा ब्लेयर, हैव यू सीन हर? हाँ उसको भी एमएस हुआ है ना, और जब जैसे उसका डायग्नोसिस हुआ था वो छड़ी लेके गई थी. तो जो भी ये गलाजत भरे गलीज लोग हैं जो बकवास करते हैं और करते चले जाते हैं रुकते ही नहीं और उनके अंदर की गलाजत बढ़ती चली जा रही है एंड दे वुड लाइक यू नो रियली रॉट व्हेन दे, मतलब खुदा का खौफ कर लो यार. तो मैं जब डबिंग कराने गई थी मुझे थोड़ा सा रिलैप्स हुआ हुआ था और मैं बिल्कुल ही कैसे मैं उठी गई वो डबिंग कराने मुझे याद है. और किसी ने नीचे लिखा हुआ है कि नशे करके बैठी हुई है और इस तरह मैं तो वैसे तरह स्लो बोलती हूँ मैं ज़रा क्योंकि मैं साइनसाइटिस भी है सो इसलिए मेरा तस्वीरों में मुंह खुला होता है क्योंकि मैं आम भी बैठी हुई है मेरा मुंह खुला रहता है. बचपन से ऐसे था कि मुंह बंद करो नहीं तो मटकी चली जाएगी. सो मेरा हमेशा से नेजल प्रॉब्लम रहा है. तो मैं थोड़ा सा दिस ऑफ माय माउथ इज ऑलवेज अच्छा जी कपड़े बुरे पहने हो तो मुंह क्यों खुला है. अबे यार तेरा क्या जा रहा है मतलब. इसीलिए मैं ज्यादा इंटरव्यूज भी रहती फिर मैं क्योंकि फिर मैं बोलती हूँ फिर मैं बोल दूंगी फिर वो शुरू हो जाएंगे जान दे कार देख दे या चलो जी बैठ जाओ निकालो आज मान के देखें इसने क्या क्या किया. नहीं और मतलब नहीं पॉजिटिव ज्यादा आता है टू बी ऑनेस्ट. आई एम जस्ट बीइंग रियली नेगेटिव हियर फॉर सेइंग दैट बट वो तंग करते. देखो जो बीमार होता है ना उसको ज्यादा लगता है. मतलब हर वक्त नशे करके एक्टर नहीं बैठे होते. अब मेरी शादी थी ठीक है. अब एक तो जो सारे मैं फिल्म की शूटिंग करा रही हूँ 3 दिन पहले मुझे घर वापस आने की. अब रात को अगले दिन शहंदी थी रात तक हम काम कर रहे थे तो बड़ी देर ही से मैं सोई हूँ और सुबह उठ के जल्दी जल्दी अब समझ नहीं आ रही कैसे कर सकूँगी सारा काम. वही चेक शेक लिख के देने अपनी शादी की वो आई डोंट शदीद किसी आई डोंट थ्रो इट इन पीपल्स फेस बट मैंने बहुत काम करने होते हैं तो वो कर करा के अच्छा जी अब कैसे गुजारा कैसे होगा. एक वो एनर्जी ड्रिंक है वो मैंने चढ़ा के मैंने कहा चलो ऐसे में शादी हो जाऊंगी. तो वही हुआ मैं जब शादी में पहुंची आई वाज सो हाइपर और मैं हंसी जा रही हूँ और पागल हो रही हूँ अब सोनू. और इवन जब मैं वो निकाह मेरा साइन हो रहा था ना मेरी बहन वॉज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग क्रैकिंग जोक्स पक्की बात है अभी भी साइड से निकलो निकल जाते हैं भाग जाते हैं. अब मुझे ऑब्वियसली उस बात पर हंसी आ रही लोग नशे करके बैठी हुई है व्हाट मेरा बाप साथ बैठा हुआ है यार खुदा का खौफ करो. मतलब खुदा का तो खौफ नहीं है जो ऐसी बकवासें करते हैं उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे ना. ये सोचो कि मैं इतनी बीमारी के बावजूद 15 साल से लोग खेड में आई मीन इट्स बीन 15 इयर्स. हाँ आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट यू इडियट्स दैट आई एम स्टिल यू नो व्हेयरएवर आई एम बिकॉज़ अल्लाह का शुक्र है मे बी खुदा का खौफ है बट
तुम लोगों को शायद खुदा का खौफ नहीं है इसलिए तुम घर पे पड़े सड़े हो. When did you find out that you have MS? Just when we were supposed to start shooting for and this is water by the way. ये देखो ऐसे पानी. अच्छा तो जब खुदा के लिए कि शूटिंग कर रहे थे छुट्टी होनी थी तब हो गया डायग्नोसिस तभी. एंड देन आई थिंक फर्स्ट रिलैप्स तो कई. और एमएस में होता क्या? सब कुछ जिस तरह खुदा के लिए की शूटिंग में जब हम उधर गए हुए थे पारा चनार जो हमारा माउंटेन एरिया में गए हुए थे तो आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई. खास तौर पर जब मैं वो पहन के घूम रही हूँ शटल कॉक बुरका भाग रही हूँ आई वॉज ब्लाइंड इन वन आई. लाइक ब्लाइंड ऐसे होता है कि अक्सर सिर्फ ग्रे हो जाता है बट एट दैट टाइम वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था. डार्क ग्रे मुझे ब्लैक लगता था बिकॉज वो कहते हैं कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस नहीं होती बट आई थिंक दैट टाइम तो मेरा पूरा लाइक इट वॉज सो ब्लैक दैट यू नो आई डिडंट सी एनी ग्रे कुछ लाइट का वो भी नहीं पड़ता था. Yeah, so yeah, I've gone like I've had one eye blind. I think I've had about 7 or 8 times. Or you know, you numbness ho jati hai puri body mein. Kabhi ek matlab ek haath to hua hi rehta hai. Koi ek part of your body numb hui rehti hai. So wo ho jata hai. Phir mujhe saath fatigue bahut hoti hai. Extreme weathers bardasht nahi hote hain. और यार इतने सारे कि क्या क्या वर्टिगो भी होता है उससे डिप्रेशन भी हो जाता है उससे ज़्यादा. बट यू आर फाइटिंग इट सो ब्रेवली. आई मीन मैंने कभी तुम्हें सल्व करते हुए नहीं देखा. फ़ोन भी करें तुम्हारी तबीयत ख़राब हो तो तुम बस आराम से कहती यार अब तबीयत खराब हाँ तो मुझे हो गया तो मैं और क्या करें. इवन व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड आई मीन डॉक्टर आमिर इकराम मेरे न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने जब मुझे कहा कि यू हैव दिस इनक्यूरेबल डिजीज तो मैंने कहा वो एंड इट्स कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट साउंड सो कूल कुछ से बोला भी नहीं जाएगा ये. आई यू ओके? आई वाज लाइक नहीं दिस इज सो कूल मेरा एक्सक्लूसिव राइट्स है अभी तो मेरे पास एमएस की किसी को पता भी नहीं वो क्या होता है. आई विल बी सो कूल एंड यू नो आई'ड शो द वर्ल्ड हाउ स्ट्रांग आई एम. लाइक उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के जोड़ा ठीक हो जाओ यू हैव गॉन इनटू डिनायल. आई सेड होल्ड ऑन आई एम नॉट इन गॉन इनटू एनी डिनायल. आई सेड यू जस्ट सेड आई हैव एन इनक्यूरेबल डिजीज सो आई कैन ईदर गो इन दैट सिट इन दैट कॉर्नर एंड स्टार्ट क्राइंग एंड दैट्स नॉट गोना मेक इट एनी बेटर और आई डिसाइड टू जस्ट यू नो टर्न इट इनटू अ जोक. सो यू नो और तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है. सो आई थिंक दिस इज द बेटर ऑप्शन दैट आई टर्न इट इनटू अ जोक एंड आई सी द थिंग्स दैट नो वन एल्स कैन सी दैट यू नो इट्स गोना बी ऑल in a super cool because it was cool also because in, you know what I'm saying kya cool hai usme ke aur kabhi tab tak kisi ne multiple sclerosis ka naam nahi suna tha wo jo zeher wale gareeb log nahi hai हाँ असल में ना इसको एड्स हो गई है. अब वो जाहिल लोगों को एड्स से आगे कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उनकी खुद इतनी घटी और गंदी और लिमिटेड सोच है कि उनको इसलिए सिर्फ एड्स का ही पता हो सकता है. ये उनकी लिमिट है मैक्सिमम इन उसकी मतलब कोई भी इनक्योरेबल डिजीज हो तो वो एड्स होगी. और बाय द वे एड्स आई डोंट थिंक इनक्योरेबल रह गई हुई है. हाँ एनी मोर तो वो बट वो जैसे कि मैंने कहा गलाजत. So yeah, some people even said that. और नहीं आपको तो कैंसर था ना. मैंने कहा यार जाके बकवास में पढ़ ले है क्या बात. पढ़ना नहीं है ना मसला ये है. पढ़ना ना पै जाए कितने आप ना काम करना ना पै जाए. ये मेरे बहन का एक फ्रेंड है वो जहाज़ में मुझे मिल गया. वो होता पायलट है ना हम नहीं लूँगी पीपल वो नो तो आ गया तो तुम्हें क्या MS क्या होता क्या उसमें. मैंने कहा अभी मुझे ना मेरी तबीयत खराब है and I don't want to talk about it. Talk to me about anything else. I don't want to talk. नहीं बताओ ना होता क्या है. डेढ़ घंटे की फ्लाइट पे उस आदमी ने 45 मिनट मुझसे नॉन स्टॉप ये बका है. And you're telling him you're not well. मैंने कहा I'm not well and you know thinking about it makes me depressed. So मैंने बताया मैंने कहा देखो यहाँ जाके आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं गूगल पे इतने पेजेस आ जाएंगे आपको. नहीं वो बंदा नहीं माना. फिर मैंने उसको झाड़ा और कहा गो बैक टू योर ब्लडी सीट. तो बाद में गुड़िया को मेरी बहन को आके हाय तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है इतनी बदतमीज़ है. उसने कहा हुआ क्या. मैंने फिर बहन को आके बताया. मैंने कहा ये कोई हरकतें करने वाली कोई बीमार इंसान है आपकी. अच्छा तुम्हें कैंसर है कहाँ का है कितनी दर्द होती है कितनी दफ़ा होती है. अच्छा ये भी करने से व्हाई डू पीपल डू दैट जहालत.
घर जाके बाद में अल्लाह का शुक्र है हमें तो अल्लाह ने बचाया है, यू नो फुफियों वाली हरकत है ऐसी हाय अल्लाह तू तो बड़ा हाथ दे के बचाया मैंने तो वो अपने उसके लिए व्हाट एल्स आई मीन इफ समबडी इज सेइंग आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय इलनेस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई डोंट वांट टू मेबी टॉक राइट नाउ. अच्छा बाबर की बताओ वो कहाँ मिला. हाँ बाबर एक दोस्त के घर मिल गया था. एक द जो हस्बैंड था जिनके घर हम रहते थे कपल फ्रेंड था तो वो हस्बैंड बाबर का एजिसोनियन फ्रेंड था. आपको पता है वो एजिसोनियन होते हैं बॉयज. अच्छा मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कितने लोग शादी के लिए थे और कितने लोगों को तुमने ना की कितने दिल तोड़े. बाबर में ऐसी क्या खास बात थी. Babar may one of the things that he probably doesn't even like that much, but I liked his family a lot also. I liked him a lot. I mean, it's going to sound so elitist. I don't know if I should say. A, he could, you know, understand the words that I use. जो अंग्रेजी के कुछ लफ्ज़ होते हैं जिस तरह मैं बात करती हूँ अक्सर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता है. मैंने कहा ये माना ठीक है इसको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ. एंड यू नो एक खानदानी पर नज़र आ जाता है एक के अच्छे बैकग्राउंड का एक सही मतलब सॉर्टेड लड़का है. एंड आई डोंट नो ही वाज एज स्टूपिड एंड इडियोटिक एज आई एम जो मैं अदरवाइज होती हूँ ऑफ कैमरा होती हूँ और बिल्कुल जब अकेली दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ. बेबी सो टोटली नो बट ही वो ज़्यादा था वो अपने फ्रेंड्स में होता था बेबी. लेकिन इन दिस केस अब उसको मेरे साथ कभी अबू बनना पड़ जाता है कि अच्छा पासी मान दो ईजी हो जाओ ठीक है ठीक है. सो ही हैज़ टू बी द बट ही वाज द बेबी ऑफ. क्या फ़र्क आया शादी के बाद ज़िंदगी में. कभी अच्छा कभी बुरा बट अब ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह.